अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हैदराबादी मटन तहारी। हैदराबादी मटन तहारी माशाल्लाह जायके में भी ज़बरदस्त है और बनाने में भी आसान है। जब आपको जल्दी रहती है और कुछ भी थोड़ा सा अच्छा बनाना चाह रहे हैं, जैसे फ्राइडे के दिन जल्दी रहती, जो भी वक्त आपको जल्दी रहता झटपट भी बन जाती और जायके में ज़बरदस्त होती। सिर्फ एक घंटे के अंदर यह तैयार हो जाती। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं ले हूँ आधा किलो मटन और इसके बड़े बड़े पीसेस करा लेना, थोड़ा सा विद बोन्स के साथ लेना। इसको वॉश कर दी। आधा किलो मटन और आधा किलो बासमती राइस। बासमती राइस आधा किलो है ये, आधा इसको वॉश करके 15-20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देना। चाहे तो आप घर का डेली जो चावल रहता उसमें भी बना सकते और इससे भी जायकेदार मेकू तो उसमें उससे दिखती। जो सोना मसूरी रहता हम डेली जो बनाते उस चावल में और जायकेदार दिखती, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना है इसलिए मैं बासमती राइस ली। और इसके लिए 3 मीडियम साइज के प्याज और 4 मीडियम साइज के टमाटर, 100 ग्राम गाढ़ा दही फेंट के रख लेना, फेंट के यूज़ करना पकाने में। अब इसमें डालेंगे जो तहारी में मिर्ची मसाला लगाते मटन को लगा देंगे। 1 टेबलस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जब कुछ भी हम अच्छा बना रहे हैं तो ज़रूर आप कोशिश करिए ताज़ा अदरक लहसुन लेने की। और इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। सबसे पहले मटन को या चिकन में जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं उसको मैरिनेट करना। मैरिनेट करके साइड में रख देना और दूसरा जो प्रिपेयर रहता है हमारा, टमाटर कट करना, प्याज कट करना, दही, चावल वॉश करना, वो सब ये लगा के रख के भी आप कर सकते हैं। इससे आपको एक 15 मिनट तो मैरिनेशन होने के लिए टाइम लग जाता, तो गोश्त में फीकापन नहीं आता, टेस्ट अच्छा था। एक बर्तन ली इसमें दारी में 150 ml ऑयल और इसको प्याज को डार्क ब्राउन करके फ्राई होने तक, डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसमें गोश्त डाल देंगे। फ्लेम को तेज रख लिया। अब इसको एक 7-8 मिनट अच्छे से भून लेंगे गोश्त में, ऑयल में। इसमें जो नमक मिर्ची अदरक लहसुन जो डाले उसको वो भी अच्छे से फ्राई होता है, कच्चापन जाता, उसमें सोंधापन आता। इसको 7-8 मिनट हम अच्छे से गोश्त को भुनेंगे। अब एक 7-8 मिनट में इसको अच्छे से भून लिए। अब टमाटर डाल के टमाटर को भी भून लेंगे। ढक्कन को ढाँप देंगे, थोड़े थोड़े जैसे ढक्कन हटा के टमाटर को भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होके भुने जाए, टमाटर अच्छे से भुने गए। अब इसमें दही डालेंगे। सबसे पहले हम टमाटरों को डालना और टमाटर भुने जाना, उसके बाद दही डालना। या पहले अगर आप दही डाल लेंगे तो टमाटर भुने नहीं जाते, साबित रह जाते। अब इसको पका लेंगे। एक 10 मिनट तेज फ्लेम पे, एक 15 मिनट धीमे पे होते हुए इसको पकाएंगे। इससे ग्रेवी भी अच्छी पकना और गोश्त भी सॉफ्ट अच्छा गलना। कवर कर देंगे, बीच बीच में चेक करेंगे और 10 मिनट धीमे पे, 15 मिनट उसके बाद 10 मिनट तेज पे, 15 मिनट धीमे पे पकाते हुए गोश्त को सॉफ्ट गलाएंगे। ये कोथमीर पुदीना डालना भूल गई थी, कोथमीर पुदीना डाली। अब ढक्कन निकाल के मैं कोथमीर पुदीना डाली तो आप कंफ्यूज ना कहो, ये जो मैं 10 मिनट तेज पे और 15 मिनट धीमे पे बोली वही सेम तरीके से। बहरहाल हमारा गोश्त अच्छे से भुना। इसके लिए मैं ली हूँ थोड़ी सी कोथमीर है, थोड़ी सी पुदीना है और 4 हरी मिर्चियों को सिलेक्ट कर ली। और गरम मसाले में है 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी सी 2 दालचीनी के टुकड़े, 1-1 इंच के 5-6 इलायची, 5 इलायची, 4-5 लौंग, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 2 मीडियम साइज के लेमन का जूस। अच्छा सा इसका पानी सूख गया। हाँ, मैं जो पानी में डाली थी, अगर पानी की ज़रूरत रही तो पानी डालना गलाते वक्त, अगर पानी इसमें नहीं है सूख गया और गलाने तो थोड़ा सा पानी ऐड करना। और गोश्त तो मैं चेक कर ली, अच्छे से गल गया। अब इसमें डालेंगे सारे गरम मसाले, लेमन का जूस, कोथमीर पुदीना, हरी मिर्ची। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसमें डालेंगे चावल को कोई भी चीज़ से मेजरमेंट कर लेना उसका, चावल का डबल डालना पानी, अगर चावल नया है तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम करना, या ज़्यादा भी देर भीगे हुआ है तो थोड़ा सा कम करना, मगर एक्चुअली असल इसका मेजरमेंट है चावल का डबल। पानी में उबाल आ गया, अब चावल का पानी फेंक के चावल इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेना, चावल बिल्कुल नरम रहता भीग के, टूट सकता है इसलिए हल्के हाथों से भिगाना। अब इसको कवर कर देंगे, तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे, तेज़ फ्लेम पे इतना पकाना कि पानी की क्वांटिटी आधी हो जाना। इसमें नमक नहीं डाले, गोश्त में लगाए लेकिन चावल के हिस्से का डालना है। वन एंड हाफ टी स्पून, डेढ़ चाय का चम्मच से मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप टेस्ट करके अपने हिसाब से डाल। अब इसको मैं पका लिए, पानी की क्वांटिटी आधी हो गई और चावल भी हमारा सख्त है, हार्ड है चावल, और इसको अच्छे से मिला ली। अब इसका फ्लेम को धीमा कर देंगे, बराबर चावल पानी की क्वांटिटी आधी हो गई। और फ्लेम को धीमा करने के बाद 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पर ढाप देंगे। तहारी हमारी दम पे है, जब तक दही की चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैं ली हूँ करीब 100 ग्राम गाढ़ा दही, और इसको फेंट लेना विस्क की मदद से, इसको फेंट लेना। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून है नमक, और एक छोटी प्याज को चॉप कर ली, थोड़ी सी कोथमीर पुदीना है, 2 हरी मिर्चों को बारीक कट कर ली, चाहे तो आप कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, पानी भी आप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह से कर सकते। चलिए 2 मिनट के अंदर हमारी चटनी तैयार हो जाती है, इसको साइड में रख। 10 मिनट हो गया धीमे फ्लेम पे छोड़ के, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, पानी इसका सूख गया और बिल्कुल जो अक्सर लोग बनाते, माशाल्लाह बहुत जूसी बनी। इस तरह से बनाइए, अक्सर लोग बिल्कुल रुखी और सूखी बनाते, उससे टेस्ट नहीं आता तहारी का, बिल्कुल रुखी रहती, थोड़ा जूसी रहना। चलिए मेरी मटन तहारी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ फ्रूट सलाद। फ्रूट सलाद के लिए फ्रूट का मीठा, इसके लिए मैं ली हूँ 5 सेब बड़े साइज के हैं, और ये 7-8 है सपोटे, और 2 बड़े साइज के हैं अनार, 7-8 है मौस, और आपको जो फ्रूट पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं है आप वो इसमें से निकाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ड्राई फ्रूट में ली मैं किशमिश और बादाम, काजू और खजूर, आप ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। हाँ, अब अनार का क्या है, अनार मीठा रहना, ज़्यादा मीठा अच्छा रहा सो डालना, बस अनार कसाले रहते वो अनार न डालना, उससे फ्रूट का मज़ा ख़राब हो जाता। और दूध ली मैं 2 लीटर, और इसको गर्म करके रख ली। अब इसको पकाना स्टार्ट करूँगी, बताऊँगी मैं। शक्कर ली मैं, ये 250 ग्राम शक्कर है, 250 ग्राम से थोड़ी बढ़ के है शक्कर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बिल्कुल फीका भी नहीं रहना, ज़्यादा मीठा भी नहीं रहना, जब शक्कर डालते वक्त टेस्ट कर लेंगे। और ये 2 टेबल स्पून फुल कस्टर्ड है, और ये क्रीम है, क्रीम ये घर का ही है ये, अगर आप चाहें तो अमूल क्रीम ले सकते, और ये वेनिला एसेंस है। मीठा बनने तक टाइम लगेगा, जब तक ये क्रीम को फ्रिज में रख देंगे। जो कस्टर्ड का पाउडर है इसका घोल, गाढ़ा घोल बना के रख लेंगे, कस्टर्ड का गाढ़ा घोल बना के साइड में रख लेंगे। दूध अच्छे से गर्म होने के बाद एक 10 से 12 मिनट इसको अच्छा आंच, धीमे आंच पे इसको अच्छा पका लेंगे, दूध पतला नहीं रहना, गाढ़ा रहना तो मीठा अच्छा बनता। अब इसमें शक्कर डालेंगे, सारी शक्कर डाल दी, तकरीबन इतनी तो फ्रूट के हिसाब से लगती, अगर कम है तो टेस्ट करके ऐड कर सकते, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और शक्कर डालने के बाद फिर ये मिल्क है पतला हो गया, शक्कर का जो शीरा छूट जाता उसमें फिर मिल्क गाढ़ा भी मिल्क रहा तो पतला हो जाता, तो इसको एक 10 मिनट अच्छा से पका लेंगे। ये देखिए पतला हो गया, इसको गाढ़ा कर लेंगे।
जब कभी भी फ्रूट सैलड बनाना है कभी भी, तो पहले सबसे पहले मिल्क अच्छा गर्म कर लेना, गाढ़ा गर्म करना, उसके बाद कस्टर्ड डाल के इसमें कस्टर्ड बना के रख लेना। कस्टर्ड बनाने के बाद जब ठंडा होने के लिए कस्टर्ड रखते हम, जब तक फ्रूट काटना, पहले फ्रूट नहीं काटना, खराब काले हो जाते फ्रूट। कस्टर्ड तैयार करके ठंडा करने के कस्टर्ड तैयार करना और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना। जब वो ठंडा होते रहता जब फ्रूट कट करना। शक्कर मैं जितनी डाली थी 300 ग्राम थी, 250 किलो से बढ़ के थी। अब डालने के बाद अच्छा मिल्क बॉयल हुआ और टेस्ट करी, शक्कर अच्छी बराबर है। और मैं मेजरमेंट शक्कर का नहीं बोल सकती हूँ, फ्रूट का साइज अलग रहता सब जगह का। आप अपने हिसाब से टेस्ट करके मिठास डालना, कम या बढ़ के जैसा खाते आप लोग। शक्कर डालने के बाद पतला हो गया 10-15 मिनट, इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध को मैं 10-15 मिनट अच्छा पका लेंगे और दूध गाढ़ा हो गया। अब एक हाथ से दूध को मिलाते हुए एक हाथ से घोल डालेंगे कस्टर्ड का। एक हाथ से डालते जाना, एक हाथ से हिलाते जाना, नहीं तो उसके लम्स बन जाते। चलिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ज़बरदस्त बराबर है, जितनी होना था, ज़्यादा गाढ़ा भी ना होना और ज़्यादा पतला भी ना रहना, थोड़ा गाढ़ा रहा तो चलता। अब ये पक गया, अच्छे से फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। पानी के बर्तन में इसको होम टेम्परेचर पर कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फ्रीजर में रख के और ठंडा करेंगे। चलिए ठंडा हो गया ये, अभी और फ्रीजर में रख के और एक आध घंटा रखने के बाद और अच्छा ठंडा होता और टेस्ट बहुत अच्छा दिखता। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून वेनिला एसेंस। सारे फ्रूट मैं कट करके रख ली। अब इसमें जो कस्टर्ड बना के रखी थी वो कस्टर्ड डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे क्रीम। आप क्रीम कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, ये तो मैं घर की है। क्रीम डालने के बाद इसमें टेस्ट बहुत बढ़ जाता और वेनिला एसेंस की खुशबू और टेस्ट, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है उससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और क्रीम से भी टोटली चेंज हो जाता है। और फ्रूट में आपको जो पसंद है इसमें जो डाली जो पसंद है आप उसको निकाल सकते हैं और जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। कई बार तो मौसम के हिसाब से भी फ्रूट मिलता। और ये जो ड्राई फ्रूट बताई थी ये थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रख के बाकी का डाल देंगे। ये आप कोई भी ओकेशन पर बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी है या कोई दावत है, कुछ भी ईद बरात है, बस जल्दी बन जाता। फिर फ्रूट काटने की देरी है, फ्रूट काटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता और ये कस्टर्ड तो दूध गर्म करते वक्त ही बन जाता। चलिए ये फ्रूट सैलड तैयार है। इसको मैं फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। जितना ठंडा होता और अच्छा सेट होता और बहुत मज़ेदार होता। इसको 1-2 घंटे में फ्रिज में रख के फिर डिश में निकाल के आपको बताऊंगी। 1-2 घंटे करीब में फ्रीज़र में रखी और माशाल्लाह बहुत ठंडा हो गया ये और टेस्ट भी ज़बरदस्त दिख रहा है। थोड़े से फ्रूट के ही ढेर सारा मीठा बना और माशाल्लाह बहुत अच्छा। जो गार्निशिंग के लिए हम ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो डालेंगे। माशाल्लाह ये तरीके से आप बनाए आपको पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बना, आसान भी है। फ्रूट सैलड की मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।